हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। आज मैं रेशियो का तीसरा क्लास ले जा रहा हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा, जो आज भी परीक्षाओं में पूछ भी लिए जाते हैं। थोड़ा आज लेवल हाई होगा, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर आप परिपछताइएगा, क्योंकि हम एक सरण विधि से आपको रेशियो बताएंगे। मेरा हम जितना भी चैप्टर पढ़ाए हैं सब सरण विधि से ही बताए हैं, एकदम बेसिक तरीका से, ठीक है? ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक भी देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते, शॉर्ट ट्रिक पर ही बताते हैं। जो बड़ा बड़ा सवाल होता है उसको शॉर्ट ट्रिक पर भी हल करते हैं, लेकिन परीक्षा में होता है कि शॉर्ट ट्रिक कितने बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है? तो आइए हम उसको बेसिक तरीका से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सवाल है, साधारण सवाल है। कहा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का तृतीय अनुपात क्या होगा, यानी तृतीय अनुपात इसमें पूछ लिया है। तृतीय अनुपात में निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, कि दो अनुपात को सेम करना पड़ेगा, ठीक है? और एक चतुर्थीय अनुपात, जो तृतीय अनुपात है चतुर्थीय अनुपात दोनों एक ही तरह से निकाला जाता है, ठीक है? लेकिन सेट करने का सवाल अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर देखिए, आपको पहले ही बता चुके थे ए अनुपात बी समानुपात कितना हो जाएगा, सी अनुपात डी होगा ना, इसी पे, यानी बीच वाले को बीच से गुना करना है, बगल वाले को बगल से गुना करना है। आपको यहाँ पर दो चीज़ दिया गया, दो आइटम। तो देखिए, यहाँ पर ए हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के लिए ये हो गया, ठीक है? अनुपात बी, बी के लिए यहाँ पर दोनों बी और सी के लिए दोनों ए माइनस बी ही होगा, ठीक है? ए माइनस बी समानुपात सी के लिए भी आपका ए माइनस बी ही होगा, और डी आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है? तो इस तरह से निकालते हैं समानुपात, एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, आपको बताए थे बीच वाले को बीच से गुना करना है और बगल वाले के लिए बगल से गुना करना है, ठीक है? तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो बगल वाले के लिए इसको और इससे गुना करना पड़ेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना हो जाएगा आपका एक्स, बटे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुना क्या हो जाएगा, ए माइनस बी दो बार, ठीक है? तो आप लोग को बचपन में हम लोग समझाए पढ़ाए थे मास्टर जी, या अभी भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर नहीं, किधर गया मेरा मिटाने के लिए, हाँ यहाँ पर देखिए, आपको बताते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, यही ना सूत्र बताए थे, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस इसी पे आपको बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ पर लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, गुना क्या है एक्स है, बटे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना है? देखिए, माइनस माइनस वाला खत्म हो गया, तो आपके पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर बचा आपके पास ए प्लस बी इंटू एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। आपको तो एक्स चाहिए ना, तो एक्स जब चाहिए तो बराबर में ऊपर चला जाएगा ये ए माइनस बी, अब बटे यहाँ क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा ये, तो ए प्लस बी जो आपका ये आंसर हो गया ए माइनस बी इंटू, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, गुना में है तो एक्स का मान हमको चाहिए, तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बराबर में दौड़ लेंगे, क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, और ये क्या जाएगा नहीं चला जाएगा, तो ए माइनस बी बटे ए बी। तो आपका यहाँ कहाँ ऑप्शन में दिया गया, देखिए तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बटे में, यहाँ पर बी में ऑप्शन था, तो ये इस तरह से बनाते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए, ये मिश्रित अनुपात का सवाल है, इसमें मिश्रित अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए, 2:3, 6:11 कोमा है यहाँ पर, ठीक है? 11:2 का कहता है मिश्रित अनुपात निकालने के लिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं, मिश्रित अनुपात भी आपको सिखाते हैं। देखिए, मिश्रित अनुपात में क्या करता है, पहले वाले का सबका पहले वाले को ऊपर में लिख देंगे, यानी 2 हो गया गुना क्या है 6 है, इसका 11 हो गया, ये ना होगा गुना में, अब बटे कितना हो जाएगा नीचे वाले का, तो सेकंड वाले को नीचे लिखेंगे, 2 गुना 11 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, यहाँ से 11 11 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचा कितना, 6/3 बचा है, तो आपको कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, तो आपका आंसर हो गया 2:1, ठीक है? 2:1 कहाँ है, तो बी में ऑप्शन है, ठीक है?
तो इस तरह से मिश्रित अनुपात को भी हम बनाने के लिए सीख गए हैं। तो मिश्रित अनुपात ऐसे ही बनते हैं, जटिल अनुपात जिसको बोलते हैं, जटिल अनुपात और मिश्रित अनुपात, ये दोनों एक ही तरीके से बनता है। ठीक है, देखिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में ना, तभी आप आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक, अगर स्किप कीजिएगा वीडियो को, छोड़ छोड़ के निकलिएगा, तो कहीं कुछ नहीं सीख पाएगा। सोचिएगा इससे थोड़ा सीख लेते हैं, उससे थोड़ा सीख लेते हैं, ये नहीं सीख पाएगा। किसी भी एक आदमी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका जो बताया जाता है उसको देखिए, उससे डिनोट कीजिए, उससे नोट कीजिए, उसका क्या क्या फैक्ट है, ठीक है, उसके गौर कीजिए, तभी आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कभी विपिन यादव का देख लिए, कभी हमारा देख लिए, कभी और सर का देख लिए, किसी और का वीडियो देख लिए, इसमें क्या होगा, आपकी तैयारी जो है ना कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीख भी नहीं सकिएगा आसानी से। किसी भी एक सर का वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे मेरा कर लीजिए या किसी और का भी कर लीजिए, ये नहीं कहते कि हम मेरा ही कर लीजिए। जो आपको समझ में आता है, जिसकी बात आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है, उसको चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, हाँ, जो आसान तरीका में समझा दे, आसान भाषा में समझा दे, ठीक है ना, वो आपके लिए गुरु के समान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े भी टीचर हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं, हम ये नहीं कहते कि हम टीचर बड़े हैं या वो बड़े हैं या वो बड़े हैं। जिसकी भाषा आपको समझ में आता है ना, उसका वीडियो आप देखिए, ठीक है, तब आप कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं थोड़ा उसका देख लें, थोड़ा उसका देख लें, थोड़ा उसका देख लें, तो आपका तैयारी कमज़ोर हो जाएगा और आप आसानी से सीख भी नहीं सकिएगा। इसलिए एक तरह का एक सर से सीखिए और उसी का वीडियो देखते रहिए, चाहे मेरा देखिए, चाहे किसी और का भी देखिए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए आसान सा सवाल है आपके पास, 21 है, 38 है, 55 है तथा 106 है, कथा प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि एक नई संख्या है, जो नया संख्या बनेगा घटाने के बाद वो समानुपाती हो जाए। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में, जैसे SSC CGL हो गया, SSC LDC हो गया, या फिर रेलवे NTPC हो गया, या फिर रेलवे ड्राइवर हो गया, या ALP हो गया, ग्रुप डी में तो खासकर पूछ ही लेता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को बनाने का देखिए क्या है, सबसे पहले आपको ऑप्शन से बनाएंगे, ऐसे सवाल में ऑप्शन ही आपका सटीक आंसर कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है 21 अनुपात 38, समा अनुपात 38 और अनुपात 55, ये होता है अनुपात, और इसके एजब में या एवज में क्या होता है, ये समा अनुपात होता है। ठीक है, यानी इस 21 में 38 में सॉरी 38 और 55 और सॉरी यहाँ पर 106 हो जाएगा, 38 दो बार लिख दिए, ठीक ना, यहाँ पर देखिए 55 हो जाएगा और 106, यानी कहने का मतलब है जो अनुपात कट के इधर आए और जो अनुपात कट के इधर आए, इसके एवज में क्या बन जाए, ये समा अनुपात बन जाए, तभी वह आपका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या घटाने या जैसे घटाने के लिए बोला है, हो सकता है परीक्षा में आपसे जोड़ने के लिए भी कह दे कि क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात हो जाए, क्या घटाया जाए ये समानुपात हो जाए। देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन पहले ए को पकड़ते हैं, मान लेते इसमें घटाने बोला दो घटा लेते, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 19 में दो जाएगा 36, कितना 36 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कटा ही नहीं है, तो इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा 53 हो जाएगा ना, और दो घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 104 हो जाएगा। देखिए कट रहा है, 19 से नहीं कट रहा, ना 53 से ये कट रहा है, तो आपका दो आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन पर करते हैं। देखिए चार घटा के देखिए, 21 में चार जगह कितना हो जाएगा, 17 हो गया अनुपात, इसमें चार घटा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब समा अनुपात, यहाँ देखिए चार घटाएंगे कितना जाएगा, 51 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे चार कितना जाएगा, 102 हो जाएगा। देखिए इससे आपका काम बन रहा है, 17 हो गया, 17 × 2 = 34, एक अनुपात दो इधर हो गया, समा अनुपात 51 × 51 = 102, यानी देखिए दोनों समानुपात बन गया ना, तो आपका काम हो गया। ठीक है, ये तो था आपका ऑप्शन से, अभी हम बेसिक भी बताएं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके अनुपात में ये इसका अनुपात है, या समानुपात इसी को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 आपका आंसर सटीक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम ऑप्शन से बनाने के लिए सीख गए हैं। ठीक है, आपको भी सीख, आप भी सीख जाइएगा। ठीक है, बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक आसान से विधि से भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, आते हैं अब बेसिक तरीका से आपको कैसे बनाना है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,
हम नहीं जानते कि ऑप्शन से पुट करने के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन से पुट करने के लिए जानते हैं तब तो जाहिर सी बात है बना ही लीजिएगा। अब आते हैं बेसिक में। कहता 21 में क्या घटाया जाए, तो माइनस एक्स घटाया जाए, अब बटे 38, 38 में क्या घटाया जाए, तो माइनस एक्स घटाया जाए, ठीक है। बराबर यहाँ कितना है, 55 में एक्स घटाया जाए, अब बटे कितना है, 106 में एक्स घटाया जाए। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सवाल बन जाता है। यहाँ पर भी आप ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो आपका बेसिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 21 माइनस एक्स है, इसको यहाँ से क्रॉस रेफरेंस करें, जिसको क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो 106 हो गया माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 38 माइनस एक्स। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर ही आप पुट कर सकते हैं, या ऑप्शन से भी आपको बता दिए पुट करने के लिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो हम भी कर देते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा गुना लंबा हो जाएगा, ठीक है। 106 से गुना कीजिए, 106 गुना 21 करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना 106 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 एक 2, 212 हो गया। तो अब यहाँ पर देख कितना, 6 2 2 222, यानी यहाँ पर का हो जाएगा 666 माइनस, ऐसे गुना करेंगे कितना जाएगा, 106x हो गया कि नहीं, इससे गुना करेंगे। अब इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा, 21x, यहाँ कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह इसको भी इधर कर सकते हैं, 55 गुना 38 कीजिए, देखिए कर ये लेते हैं, 845 की जरूरत 4, 845 चार 44, 440 हो गया, 3 5 15 आता है, लिख 15 16, यहाँ 0 हो गया, 9 10 1 2, कितना हो जाएगा आपके पास, 20 90, यहाँ पर गुना हो गया। अब इससे गुना करेंगे कितना जाएगा, 55x हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है माइनस, 55x हो गया, और इधर कितना जाएगा, माइनस 38x हो जाएगा, 38x इधर गुना करेंगे क्या जाएगा, माइनस प्लस, प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए घटाइए, अब यहाँ पर 222 6 हो गया, और माइनस यहाँ देखिए 106x है, माइनस कितना जाएगा, 21 6 कितना 27 कितना जगह, माइनस 127x हो गया ना। अब देखिए बराबर आपका कितना जगह, इधर भी अच्छा यहाँ पर 200 है ना, 220 90 माइनस, इसीलिए हम बता रहे थे भाष हो जाता थोड़ा इधर, माइनस माइनस क्या जाएगा, 55 और 38 को जोड़ लीजिए, 8 5 13 1 5 8 9 93x हो गया, माइनस 93x। अब इधर आके घटा लीजिए और उसको जगह घटा दीजिए, देखिए 22 26 में माइनस करेंगे 20 90, अब बराबर कितना जाएगा, माइनस 93x, उधर लाइन कितना जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 127x। अब घटाइए 20 और 26 में, 6 में जो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 12 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 12 में जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचा, 1, यहीं पर कर लीजिए। एक सौ 36 हो गया आपके पास, इधर कितना आ जाएगा, 127 में 93 घटा लीजिए, 127 में 93 घटाएंगे तो साथ में तीन जाएगा 4 बारह 34, यहाँ कितना बचा आपका, 34x, 34 से कटाइएगा 4 बार में ख़त्म, तो x का मान कितना जाएगा, 4। ये आपका था बेसिक तरीका, ठीक है, जो आपको बहुत भाष पड़ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहीं पर आपको आपको आंसर पुट कर देना था, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिक भी आपको बता दिए और शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिए और ऑप्शन से पुट कैसे करते हैं वो भी बता दिए, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आई मिटा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए कहा गया संख्या है, क्वेश्चन है 13:7:13 के प्रत्येक पद में क्या छोटी से छोटी संख्या को जोड़े की नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। का इस सवाल में आपको घटाने के लिए बोल सकता है और जोड़ने के लिए भी बोल सकता है कि इस छोटी छोटी पद में क्या घटाया जाए कि ये संख्या इतना के अनुपात में हो जाए, या क्या जोड़े कि ये संख्या इतना के अनुपात में हो जाए, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, 7/3 हो गया ना, इसमें क्या बोला, जोड़ने के लिए बस छोटे छोटे प्लस एक्स जोड़ लेते हैं दोनों में, और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3।
तो अब यहाँ पर ये सवाल मेरा सेट हो गया ना। अब यहीं पर हम x का मान पुट कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक रखते हैं तो क्या बन जाता है, 7 × 1 = 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना 4, तो 8 और 4 देखिए तो आता है आपका, 4 से कटाएंगे, 4 × 1 = 4 × 2 = 8, 2 अनुपात 1 हो जाता है, तो आपका एक आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, एक नहीं होगा। अब आते हैं 2 को रखते हैं यहाँ पर, एक्स की जगह पर 2 पर रखे, देखिए तो 7 × 2 = कितना हो गया, 9 हो गया, और यहाँ रखेंगे 5, 2 रखेंगे तो 5, 9 अनुपात 5, ये भी नहीं आया आपका, तो 2 ऑप्शन भी नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं, 7 × 3 = कितना हो गया, 10 और 3 = 6, कटाइए 2 से कटेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 5 और 3 आ गया, तो आपका तो जाहिर सी बात है कि 5 अब होगा, क्योंकि ये तीनों तो नहीं हुआ, तो 5 ही ना होगा। देखिए 7 और 5 कितना रह गया, एक्स की जगह पर 5 रहेंगे, 7 × 5 = कितना हो गया, 12 हो गया, इधर 5 रहेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कटाइए 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, अच्छा 2 अनुपात 3 है, अगर 5 रखते 7 × 5 = 12 हो गया, और 5 = 8, बारह बारह अब बटे 8, तो कटाइए देखिए 4 से कटाएंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 2 आ जाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस तरह आगे कोई है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन आपका सटीक हो सकता है। आइए अब बेसिक तरीका से बनाते हैं, इसको गुना कीजिएगा इधर, तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा कि नहीं, आप इसको इधर से गुना करेंगे तो 2 × कितना हो जाएगा, 3 + x, आइए अब इससे गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा, 3x, ये तो हो जाएगा ना, अब इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और इधर प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब संख्या को संख्या के लाइए इधर से, तो 21 में 6 जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर 2x उधर से कितना बन जाएगा, -3x, तो अब देखिए 21 में 6 जाएगा कितना बचेगा, अच्छा अच्छा जोड़ने पर बन रहा है ना, रुकिए रुकिए आप थोड़ा गड़बड़ा गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 था, हम वहां 3 रख रहे हैं, तभी ना मेरा सवाल नहीं बन रहा है, तो कैसे नहीं बन रहा है, यहाँ देखिए 7/13 है, हम वहाँ पर 3 रख दिए, तभी ने नहीं बन रहा था, प्लस एक्स और कितना आता है, 2 अनुपात 3, अब गुना कीजिए इधर भैया, 7 × 3 = कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, 7 + x ये हो गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा, 2 × 13 + x हो जाएगा ना, इधर से गुना करेंगे कितना है, 7 × 3 = 21 हो गया, अब प्लस कितना जाएगा, 3x हो गया, बराबर इधर 13 × 2 = 26 हो जाएगा, अब प्लस में कितना, 2x हो जाएगा ना, तो अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 है, इधर लाइन कितना देगा, -26 है बराबर 2x है, उधर लाइन कितना बन जाएगा आपका, -3x ना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए माइनस कितना बचेगा, 5 बचेगा, बराबर इधर कितना, -x, तो -3x कैंसिल, तो कितना निकल गया आपका, 5, तो ये आपका सवाल बन गया, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं बेसिक तरीका से। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो आपको आसानी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अब थोड़ा सवाल जो है ना लेवल थोड़ा हाई होगा, क्योंकि जो बचा हुआ पहले था छोटा छोटा सवाल तो बता ही दिए हैं, थोड़ा अब लेवल हाई होगा, तो इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सवाल कहता 76 को 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात के विभक्त किया करने पर सबसे छोटा भाग पूछ रहा है, ऐसे सवालों में आपके पार्टनरशिप जो होता है ना उसमें भी आपको सवाल ये देखने को मिलेगा, और एलिगेशन भी देखने को मिलेगा, और ये रेशियो, ये सभी आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, आजकल जो एग्जाम में पूछते हैं ना सभी, प्रतिशत हो गया, रेशियो हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, ये सबको आयु संबंधित हो गया, ये सबको सवाल को एकदम जोर जोर के परीक्षा वाले पूछते हैं, ठीक है, तो आइए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कहता 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, अब बाकी जिसका पैसा उसको नीचे लिखते हैं, तो सबसे छोटा तो यहाँ पर 3 है, तो 3 निकाल देंगे ऊपर, अब बच गया क्या सबसे जिसका पैसा, तो पैसा तो यहाँ पर तो किसी का बोला नहीं, तो रेशियो सबका ना है, तो सबका पैसा हो गया,
तो सबको जोड़ लेंगे, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19 हो गया, 19 हो गया कि नहीं, तो नीचे आ गया 19। अब भाग देंगे 19 चौके 76, 4 3 12 हो गया, आपका सबसे छोटा भाग क्या हो गया, 12, जो आपका ए ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से पूछ सकता है कि इतना इतना अनुपात दिया गया है, रोहन सोहन मोहन में जो भी बांटने का रहेगा बांट देंगे, बोलेगा ये मोहन का रुपया है, तो याद रखना है जिसको निकालना है ऊपर, जिसका पैसा है उसको नीचे। ठीक है, तो आपका रेशियो से सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ही ध्यान में रखना है कि जिसका पैसा है जिसको निकालना है ऊपर है, जिसका पैसा हो नीचे रखना है। यहाँ पर तो पैसा सबका था ना 76 रुपया, इसलिए सबका रेशियो मिल के जोड़ करके लिख दिए और आपका आसानी से निकाल दिया। पूछता बड़ा, तो बड़ा तो 7 रख देते हैं यहाँ पर, 7 से भाग देते हैं तो 12 से 84 होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल बन सकता था। आते हैं और इस सवाल पर, देखिए सवाल है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आदमी इसको छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है, स्किप कर देता है एग्जाम में, लेकिन ये आसानी से बनने वाला सवाल है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर सी अनुपात डी, इसको लिख सकते नहीं, ए के जगह पर सी और डी के जगह पर बी के जगह पर डी भी रख करके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, नहीं पहले बराबर यहाँ पर के मान लीजिए, तो ए बराबर बी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के तरह में निकालना है ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की हो जाएगा, बी के हो जाएगा ना, तो यहाँ से गुना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए सी और डी बराबर क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, डी के हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया उस पर रखिए, एम हो गया, ए के बराबर क्या रखना है, यहाँ पर ए के जगह पर बी के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, प्लस है, प्लस रख दिए, कोई बात नहीं है भैया। अब यहाँ देखिए एन है, तो एन रख दीजिए, सी के जगह पर क्या मान है, सी के जगह पर बी के है ना, तो बी के रख दीजिए यहाँ पर, ये एन है। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका, देखिए एम है और बी के जगह पर क्या है, यहाँ पर बी के जगह पर, तो वही रख दीजिए बी के। ठीक है, बी के जगह पर बी के रखते हैं, नहीं बी ए रहने दीजिए। ठीक है, बी ए रहने दीजिए। अब प्लस में क्या एन डी है, तो एन ए डी रहने दीजिए। ठीक है, एन डी, सी के जगह पर क्या रखे थे, डी, एन सी, सवाल कहीं गलती तो नहीं लिख दिए, रुकिए रुकिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल ठीक है बना रहे हैं, गलती नहीं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकालना पड़ेगा आपका, क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि ऊपर नटेगा नहीं, के कॉमन अगर ले लेते हैं ऊपर में, तो आपका क्या बच जाएगा, एम बी प्लस क्या बच जाएगा, एन डी। अब बटे नीचे में क्या है, एम बी प्लस क्या है, एन डी, तो एम डी और एन डी खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पर के, तो के बराबर आपका देखिए क्या निकल रहा है, ए और बी, के बराबर आप क्या माने हैं यहाँ पर, देखिए के बराबर ए और बी माने हैं ना, और ये क्या है, सी और डी, के बराबर क्या है, सी के बराबर, यहाँ पर देखिए के बराबर आपका क्या है, सी और डी भी है ना, तो सी और डी तो आपका ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, तो ए बी ही आपका आंसर हो जाएगा। जो इसको हम लोग आसान विधि से बनाने का प्रयास किए हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। देख सवाल कहता है, कहता 624 रुपया को ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो इसमें से सी का भाग कितना होगा ये निकालना है आपको। ये अनुपात दिया गया है, इसको हम सही अनुपात से बदलना पड़ेगा, पहले अनुपात समानुपात दिया गया, तो इसको अनुपात से बदलना पड़ेगा, तो आइए बदलते हैं, 1/2 अनुपात 1/c 1/4। ठीक है, ए बी सी का मतलब क्रमशः ये ए का ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, ये सी के लिए हो गया। ठीक है, तो अब निकालिए इसका एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर, एलसीएम तो ऐसे 12 होगा, तो देख ले 2 1 2 2 3 3 तो नहीं खाएगा, 2 2 4 2 6 12 हो गया,
एलसीएम 12 हो गया। अब दो से भाग देंगे इसको, नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर जो भाग पड़ता है ऊपर वाले से गुना कर देते हैं, तो दो से भाग देंगे कब बार में खाएगा, छः बार में, छः से ऊपर गुना कर देंगे तो 1:6 आ गया अनुपात। 3 से भाग देंगे कब बार में, 4 बार में, 1 से भाग देंगे 4 से, दिया 4 हो गया अनुपात। 4 से भाग देंगे कब बार में, 3 बार में, तो ऊपर आ गया 3। तो आपका रेशियो फाइनली तैयार हो गया, ए बी सी का अनुपात कितना जगह 6:4 अनुपात कितना 3 रेशियो, आपका फाइनल तैयार हो गया ना। तो अब देखिए आप यहाँ पर देखिए बांटना क्या कहता है, सी का हिस्सा है ना, तो 624 सी का हिस्सा बांटना है, तो ए में देखिए गुना क्या कहता है, अच्छे से जब सी का निकालना है तो सी का रेशियो अब कितना आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि सी बराबर, यानी जिसको निकालना है उसका रेशियो ऊपर है, जिसका जिसका पैसा उसको नीचे। तो पैसा तो यहाँ पर बोला नहीं है किसी का, नहीं ना किसी का, ये पर्सनल तो पैसा बोला नहीं है, तो सिर्फ तीनों में बांटना है, तो पैसा तो सबका है तभी ना तीनों बांटेगा, तो तीनों का रेशियो जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 3 कितना हो गया 13, तो 13 से भाग दिए यहाँ पर देखिए 13 से कटाएंगे कब बार में, 13 चौके 52, 4 बार में कट गया 13 चौके 52। अब बचा यहाँ कितना 10, कितना हो जाएगा 104, 13, 8 74 से, यानी 48 गुना करेंगे 13, तो आपका 124 खत्म हो जाएगा। अब 48 गुना 3 कर लिए, 3 24 की 4, हाथ रल 2, 4 3 12, 2 14, यानी आपका आंसर हो गया तैयार कितना 144। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर है 144 में, डी में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 144, जो आपका डी ऑप्शन में सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए दोस्तों सवाल है, कहा गया है कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, कोई धन है उसको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है, तो ए और बी के भागों का अनुपात ज्ञात करें। अगर इसको हम ऑप्शन से बनाना चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते, ए के भाग का 5 गुना ये मान लेते हैं, सॉरी पहले बेसिक से बनाते हैं उसके बाद ऑप्शन से, ठीक। अब ये कहता है ए के भाग का 5 गुना, यानी ए के भाग का 5 गुना है कि नहीं, ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, यानी बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना, सी के भाग का क्या बोल रहा है 2 गुना, आपस में क्या है ये सभी आपस में बराबर है, यानी आपका हो गया 5a = 3b = 2c, ये सभी क्या है आपस में बराबर है। तो जब सभी आपस में बराबर रहता है तो हम उसके लिए क्या मान सकते हैं, k मान सकते हैं, जब आपस में बराबर है k मान सकते हैं, a मान सकते हैं, जो भी आपका मानने का होगा मान लीजिए, यहाँ पर k हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो इसके लिए सब तो बराबर हो गया, तो 5a = k लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके लिए भी ये बराबर हो जाएगा k, 3b के लिए भी k हो जाएगा, 2c के लिए भी k होगा, क्योंकि ये सभी आपस में बराबर है जो सवाल बोल रहा है। तो अब देखिए 5a = k हो गया, तो a बराबर क्या आपका हो जाएगा k/5 हो जाएगा ना। इसी तरह b का भी निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालते हैं b का, कहता है b यानी 3b है ना, 3b = k हो जाएगा, तो b बराबर कितना जाएगा k/3 हो जाएगी ना। इसी तरह c का भी निकाल लेंगे, तो 2c = k है, तो c बराबर कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा। आप यहाँ पर अनुपात निकाल लीजिए, चलिए यहाँ पर निकालते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा k/5 हो जाएगा अनुपात, k/3 हो जाएगा, ये b बराबर हो गया, और c बराबर क्या हो जाएगा k/2। तो नीचे वाला क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले का निकालिए एलसीएम, 5 3 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 3 2 तो कटेगा ना, 5 15 2 कितना जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया, तो 5 से भाग देंगे काबर में खाएगा, 6 बार में दिया 6k हो गया अनुपात, 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 10k हो जाएगा अनुपात, से 2 से कितना जाएगा 15k हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया आंसर तैयार, के अब शॉर्ट हो गया, के को ख़त्म कर देना है और एलसीएम भी ख़त्म, तो आपका आंसर हो जाएगा 6:10:15, ठीक है। तो आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, या यहाँ पर फिर से लिख देते हैं ए बी सी, ए का कितना मान हो गया 6, बी का मान 10 और सी का मान कितना हो गया 15। देखिए कहाँ ऑप्शन है,
छः, 10, 15 आपका डी ऑप्शन में है। ये इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमारा, आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी तैयारी मजबूत पे कर ले। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम लोग तो उतना अभी एफर्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोग सहयोग कीजिएगा तो ज़रूर हम लोग डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। तो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।